अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है और मुझे सरदार हनीफ डोगर और मोहम्मद इमरान ने डिफेंस में नादरा के दफ्तर के करीब कोई बैंगलो में मुझे रखा हुआ है। मेरे साथ और भी लड़कियां हैं, हमें यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है और हमें ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। हम लोग मजबूर हैं, बहुत हम लोग यहाँ पे तंग हैं, हमें रोज़ ये मारते हैं। हम जब इनको मना करते हैं कि हमने ये काम नहीं करना तो हमें भी बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है, हमें बेल्टों से मारा जाता है, हमारे जिस्म पे सिगरेट लगाए जाते हैं, बहुत अजियत देते हैं ये। इनके पास क्रीम की गाड़ी भी है, ये क्रीम की गाड़ी भी चलाते हैं। और यहाँ पे इस बैंगलोर में पुलिस वाले भी काफ़ी आते हैं, उनमें से एक का नाम रिजवान है, वो भी यहाँ पे आता है। हम इस दलदल में नहीं रहना चाहते, हमें यहाँ से निकालें, हमारी मदद करें, खुदारा प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें यहाँ से निकालें, खुदा का वास्ता है। हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। मेरे साथ बाकी लड़कियाँ भी यहाँ से जाना चाहती हैं, हम सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। हम पे रहम करें, हमें यहाँ से निकालें, हम यहाँ पे बहुत मजबूर होके रह रहे हैं, हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग हमें मजबूर करते हैं गलत काम करने के लिए, हमें यहाँ से निकाले, हमें यहाँ से निकाले, ये हम पे बहुत जुल्म करते हैं, हमें बहुत मारते हैं, हमें यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं।